viewers, welcome to my next video. Previous video में हमने discuss किया था vowel sounds. Vowel sounds in the production of which there is no obstruction in the air passage. Lung से air freely निकलती है, ना nose, ना teeth, ना lips उनको रोकते हैं. Clear? तो this is, next is diphthong, that is also called gliding vowel. हाँ जी, ये दो vowel sound को combine करके बनती हैं diphthong. A diphthong is a sound formed by combining two vowels in a single syllable. Means एक ही sound निकलेगी पर दो vowels को combine करके. तो examples देखिए, a, i, oi, o, au, io, eo, uo. Next video में हम देखेंगे इनके symbols as well as examples. Thank you. वेलकम टू माई नेक्स्ट वीडियो. आज हम करेंगे डिप्थॉन्ग्स, ग्लाइडिंग वॉल्व्स, जो कि 8 है नंबर में. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि वॉट आर ग्लाइडिंग वॉल्व्स. यस, ये टू वॉल साउंड्स को मिलाकर बनते हैं ग्लाइडिंग वॉल्व्स. तो इनके सिंबल, आरपी सिंबल, हिंदी में कैसे ये लिखे जाते हैं और इनकी एग्जाम्पल्स वी आर गोइंग टू डिस्कस. लिसन केयरफुली. पहले है ए, free, break, ill, 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 fill, chill. जब भी इनकी ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो यही साउंड आएगी, डिप्थोंग आएगी, ill, fill, chill. आई, आई, आई की साउंड जहां पे आएगी, ice, fight, height. आऊ, आ ऊ की साउंड आएगी, आ ऊ, डाउन, डाउन. नाउ, हाउ. देन इयो, 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 फियो, डियो, शियो. ओ ई, ओ ई, ऑय, बॉय, टॉय. ऊ अ, ऊ अ की साउंड इकट्ठी आएगी, पुअर, टूअर, शो. अ ऊ, अ ऊ, स्लो, टो, फो, फो, अ ऊ. तो ग्लाइडिंग वाउल्स एक पोजीशन, टंग अपनी पोजीशन चेंज करती है एक वाउल साउंड से दूसरी वाउल साउंड को. अ ऊ, ओ, टो, फो. तो बहुत ही मजेदार है ये, प्रैक्टिस कीजिए और एग्जांपल्स लिखिए, फिर करेंगे इनकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जब हमने कॉन्सोनेंट्स कर लिए, फिर करेंगे मिनिमल पेयर्स. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू इन फोनेटिक्स, वी विल डिस्कस. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.